हम आपके लिए आज फिर से लाए हैं वेस्ट टचिंग प्रैंक, जिसमें हमेशा की तरह रिएक्शन बहुत मजे मजे के हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आज का छोटा रूम देने वाले हैं जवाद खान ब्लॉग के, जो कि बहुत ही मजे मजेदार ब्लॉग बनाते हैं। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उनके लिंक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें उन्हें, जैसे आपने हमें यहाँ पे प्यार दिया है वहाँ पे भी प्यार दे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से मेरे पास आ गए, भगवान की कृपा से। मैं दरअसल इंडिया से आया हूँ, यहाँ पे मेरा वो सारा निज़ाम ख़राब हो गया, मींस डैट के वॉलेट शॉलेट भी घूम गया था, तो रास्ता आपसे पूछने के लिए आया। मुझे क्या बता, आप हैं अभी कि वहाँ से इंडिया से आए भी हैं कि नहीं आए हैं? आपको काली माता के मंदिर की तस्वीरें दिखा दूँ? नहीं, मैंने देखी थी। और मुझे काइंडली रास्ता बता दें, मैंने कुमार की जाना था। ये क्या बदतमीजी थी? क्या हुआ, आपके घर मेहमान आए? नहीं है, अम्मी लोग तो सारे मामू के घर गए, हुआ क्या? टच किया है अभी? मैंने टच किया? हाँ जी। आपको? आप बदतमीजी कर रहे हो। आप मेरा हाथ की स्मेल कर ले, अगर बदबू आई तो समझ लेना टच किया। स्मेल क्या है क्या नहीं? आपकी स्मेल, अगर टच होगा तो आपको अपनी स्मेल का तो पता नहीं। क्या बदतमीजी, आपने एक तो टच किया, ऊपर से कह रहे हैं स्मेल कर लूं। लड़ क्यों रही है? मैंने आपसे रास्ता पूछा है, आप मेरे से रास्ता पूछा, आप बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं रास्ता पूछा है। शुक्र कर मैं तो मुंह ला लिया यार, किस तरह की आप लड़की हो? आपको आपसे ज्यादा प्यारी ना लड़कियां हमारे हिंदुस्तान, हमने कहा है कि ना वो होती होंगी। तो मैंने आपको टच क्यों करना? आप तो लड़कियों को ऐसे देख के चक्कर आ जाते होते हैं। मुझे चक्कर आते होंगे तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बताएंगे ये कौन सी जगह है? गालिब मार्केट है। गालिब बता, तो आपकी तारीफों की पूरी किताब लिखेगा। लेकिन किताब वो थोड़ी मोटी होती है। क्या मतलब मोटी होती? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मोटी होती है, मेरी तारीफें कुछ ज्यादा होती हैं आपकी ना, तो इसलिए मोटी होती है, पेट ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तोहफा देता हूँ। क्या? लक्स आप म्यूजिक सॉरी सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आप मुझे बता सकती हैं गुलबर्ग की साइड पे मुझे गुलबर्ग जाना है? गुलबर्ग यहाँ से जरा। क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी? आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, आपने टच क्यों किया? क्या हो गया, मैं आपको क्यों टच करूंगा? तो मैं पागल हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने रास्ता पूछा है तो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, आप टच क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको टच नहीं किया, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा आपको टच करना है, मैंने तो सिर्फ आपके सामने ये मेरे हाथ थे, मैंने आपको कोई टच नहीं किया। बात तो सुन ले, नहीं कुछ कहता मैं, नहीं खा जाता आपको, वैसे भी आपने हड्डियाँ ही हैं। तो मैंने तुम्हें क्या इस चीज़ से? वैसे ही कह रहा हूँ हड्डियाँ हैं तो खाया भी अगर तो वो मेरी मर्जी है ना, मैं खाऊं ना भी। मुझे बता दो कहाँ का रास्ता, कहाँ बता? मैंने नहीं बताना। चलो यार बात तो सुन लो ना, रास्ता है, एक्सक्यूज मी, बात सुन ले यार। अच्छा पहले बदतमीजी की है तुमने और अब फिर कह रहे हो कि रास्ता बता दो। अब अपने पड़ोसी के मुल्क के लोगों से मुझे क्या पता कि पड़ोसी से आए हो कि नहीं आए? मैं दिल्ली जाके मुंबई जाके क्या बताऊंगा, पाकिस्तानी ने यह सलूक किया मेरे साथ। सलूक आपने जो सलूक किया वो सही किया? मैंने क्या किया? आपने मुझे टच किया है? मैंने आपको टच नहीं किया, आपने टच किया है। अच्छा मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ मैडम, और बताएं अब ठीक है? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई होगी, शायद मैंने टच किया। अब आप मुझे रास्ता बता दें, यहाँ से कहाँ बता रही थी? यहाँ से। ये क्या बदतमीजी थी? अब क्या हुआ? मैंने क्यों टच करना? टच किया हनुमान के मंदिर की कसम, नहीं टच किया तुझे मैंने, छिपक ली बाजू तोड़ने लगा की मैं तेन दस सही मरे ओ मर जाए कीता की ओ मैं तेन किया की बात तो सुनो, एक मिनट रुक क्या सुन लो मैं तुम्हारी बात बात सुन लो ना एक मिनट ओ एक मिनट पटाके आई है गल तो सुन ले क्या पटाके आ रहे तू बात 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 सुन लो ना बात सुन लो क्या हुआ मुझे बताओ खुल के क्या हुआ जब मैं तुमसे पूछ रही हूं तुमने मुझे टच किया दो दफा टच किया तुमने मैंने एक दफा किया और किया तुम फिर दूसरी दफा टच कर रहे हो लड़ाई वाली फिल्म देख के आई करो क्यों एक तो तू टच करना उतो कहना कि लड़ाई वाली मूवी देख के आई है की मसला है एड्रेस बता दो एड्रेस तुम्हें मैंने बताया और तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो फिर कह रहे हो कि एड्रेस बता अच्छा बात सुनो मजाक क्या
था? मजाक कर रहा हूँ आपके। क्या मजाक था? आपको सांस चढ़ गया, पानी ले गया। नहीं, एक तो तुम टच कर रहे हो, मजाक मजाक कर रहे हो। मजाक में कौन सा टच होता है? सीधा जाएंगे ना, आपने फिर टच किया है? नहीं नहीं, मैंने टच नहीं किया मैडम। मैं झूठ बोल रही हूं, आपने पहले किया, मैंने आपको माफ किया, फिर टच कर रहे हैं आप, पागल हैं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मैंने आपको क्यों टच करना, मुझे मार क्यों रही हैं? मेरी बात सुने, आप क्या कर क्या रही हैं? मेरी रिलैक्स रिलैक्स, इजी इजी। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको कहाँ टच किया? हमने यहाँ टच किया। ये देखिए, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं आपको टच करूँगा? मैंने क्या किया? एक मिनट, ये यहाँ से छोड़े, जैकेट फट जाएगी, बड़ी महंगी है। देखिए, मैंने आपको थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली है, आप जानबूझ के एक ऐसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आपको टच किया है। अगर आपको नंबर चाहिए तो डायरेक्ट बोले ना, मैं देता हूँ। नहीं, मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए, आपने मुझे टच किया क्यों? मैंने टच किया को आप अकेली लड़की देख के तो ऐसे कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। आप लोगों की वजह से तो लड़कियाँ अकेली घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, सेफ भी नहीं है। फिर आप अकेली निकली हुई हैं, मजाक कर रहे हैं? आप ऐसे करती हैं? टच नहीं किया आपको, कसम से, आई स्वेयर टच नहीं किया मैंने आपको। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं भी आपको लगाओ, पहली बार मैं कह सकती हूँ कि चले हमने नहीं किया, मुझे गलत फहमी हुई है, लेकिन दूसरी बार तो नहीं ना हो सकती, मैं पागल तो नहीं हूँ ना? अगर लग रहे हो पागल मुझे। गुस्सा किस बात? क्या गुस्सा? एक तो तुम टच कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो गुस्सा किस बात का? आप चाहती हैं मैं हिंदुस्तान जाऊं आपसे, आपको लेके शादी? देखा, आया मजा, आया मजा? अब बताओ कौन टच कर रहा है, बताओ? जंग हो के ना हो, अब आपके बॉर्डर पे जंग करूं जाके इंडिया से? इतनी गलत बात है, इतना बुरा। तो आप पूछ रहे थे ना मुझसे, तो हाथ तो आपको वो लगा रही है ना, तो अब तुम मुझे क्यों हाथ टच कर रही थी? तो प्रैंक कर रहे थे तो ऐसे किसी को टच कर दो? सॉरी, दरअसल बेसिकली मैं पाकिस्तान से ही हूँ, हमारा ना यूट्यूब पे चैनल है नॉन स्क्रिप्टेड के नाम से, ना हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए आपको हाथ ना बेसिकली यही लगा रही थी, मैंने नहीं लगाया। वो दरख्त के पीछे आपको कैमरा नजर आ रहा है, वो सामने कहाँ पे वो लड़का ब्लैक, वो नजर आया? I'm sorry, आपके साथ लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को प्यार रखना चाहिए ना। I'm sorry, आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आपको यूज़ कर लूँ, कर लूँ यूज़? फैमिली के लिए प्रॉब्लम, घर के लिए कोई अदर? इंडिया में पोस्ट होना है। I'm sorry, मैं I'm sorry, सामने आदिल आ रहे। नमस्ते मैडम। वो देखें, वो हमारा ना शूट हो रहा है, सामने कैमरा लगा हुआ है, हम बेसिकली प्रैंक करते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, आप शायद देखती होंगी प्रैंक्स वगैरह, कभी देखे हैं? जी हाँ, वही कर रहे हैं हम। और मैंने आपको टच नहीं किया, ये मिस ने टच किया आपको? ये मैंने नहीं, इन्होंने टच किया। हमारा चैनल है नॉन स्क्रिप्टेड। भाई हाथ तोड़ दिया मेरा। सॉरी, देखे मुझे तो यही लगा हमने टच किया, मैं तो इसलिए। मैडम आप बट्टे बूटे तो नहीं खाती थी, देखे निशान पड़ गए थे। यूज कर ले वीडियो को, मसला नहीं आपके लिए, फैमिली के लिए। टच नहीं किया बेसिकली इन्होंने, किया वो सामने हाथ हिला दे, हाथ हिला दे क्या? सो गाइस, आप आज की वीडियो को अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी मत भूलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।